तो शासन भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है शासन द्वारा। तुम लोगों से अच्छा क्या कहा जाए, एक भगवान का तीसरा रूप होते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, भगवान के तीसरे रूप जो कि अपने एक बार किसी के आहन पे एक जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आप लोग उनसे भी गए बीते हैं। आपको चौथा अवतार ले लेना चाहिए, फिर भी आप लोग नहीं निकलेंगे। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि आप आहता रखते हैं, दो दो सीटें पास करने की बड़ी गुणगान गाते हैं, जैसे कि बहुत बड़े लंकापति नरेश हो आप गुणगान गाते हैं, राष्ट्रीय युद्ध कर रखा हो दो सीटेट पास करके टेट पास करके आपने, लेकिन अपनी मांग नहीं लड़ पाते हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। अभी चुनाव प्रचार होगा उसमें भाजपा के लिए चप्पल पहने घिसते नजर आओगे। मैंने भी बहुत घिसी, मैंने स्वयं बहुत घिसी, मैं विस्तारक था, मैंने पद छोड़ दिया क्योंकि ऐसी सरकार के साथ हमें काम नहीं करना था। हमने कहा पहले हमें शिक्षक बनाइए, हम आपके साथ वापस चुनाव में आएंगे। हमारे 11 विधायक हैं कानपुर से, जिनमें से 9 से अधिक भी करते आज हमें पहचान गए हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ टूट गया है, अपना अधिकार मांग रहा है, क्योंकि हम अपने परिवार में भी जब हमें चीज नहीं मिलती है अपने मुखिया से कहते हैं, अपने पिता से कहते हैं। सूबे की जो सरकार होती है हमारी मुखिया होती है, अगर हम अपने मुखिया से कोई बात शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे हैं तो ये कदापि गलत नहीं है, लेकिन बात रखने के लिए जब वही संख्या आएगी ऐसे में कौन विश्वास करेगा। ये संख्या 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए बैठी है, कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा कोई, सब कहेगा अगर सरकार ने चाह लिया तो हम लोगों पे कोई दूसरा टैग लगा देगी, ये लोग प्रशिक्षित है ही नहीं, आता रखते ही नहीं है, ऐसे में आप क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार है, जैसा चाहेगी वैसा करेगी, और जो लोग सोच सकते हैं आप लोग शेयर भी कर दीजिए, इसलिए देगी तो आप लोग आज तक जिसे भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल कहा जाता है उसने चुनाव प्रचार के आगे बनने वाली सरकार का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, उसको आप उठा के देख लीजिए, उसमें भाजपा को 1 नंबर पे सरकार बनते हुए दिखाया गया है। और सरकार चाहे भाजपा की बने, चाहे सपा की बने, चाहे बसपा की बने, चाहे अन्य दल किसी की बने, सरकार बनने के बाद आप भर्ती भूल जाइएगा, क्योंकि कोई भी पद तब खाली बना रहेगा जब अब खाली है, भर्ती नहीं मिल रही है तो तब भर्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि तब सरकार जानती है जनता ने हमें चुन के भेजा है। आप सब भी जानते हैं भाजपा सरकार को हम ही सबने चुनने वाले हुए थे, सबसे अधिक सीटें मिली थी, यहाँ पे कितने लोगों ने भाजपा को वोट दिया था हाथ उठाए, ये आप आंकड़ा देख सकते हैं, भाजपा को वोट मैंने भी दिया था। अब दुर्भाग्य है मैंने 15 लोगों को जाके दिलवाया था, आज हमारा विधायक हमारे लिए लेटर नहीं लिख रहा है। 1, 2, 3, 4 जब आप सब देख रहे हैं जिस सरकार को यहाँ बैठे लोगों ने चुना था वो सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो आई हुई सरकार जब ये 4 साल में बात नहीं सुनी तो आने वाली सरकार आपकी क्या बात सुनी? बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे कोई भी विचार गलत लगे हो आप लोग चले आइएगा, मैं यहीं पे मिलूंगा। हमारा अंकित भाई उस दिन उससे साफ साफ कह दिया गया, अंकित भाई आप इधर आइए कि आप स्थान छोड़ दीजिए अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, लेकिन बंदा यहाँ खड़ा है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है ले जाओ लेकिन शिक्षक भर्ती दे जाओ। शिक्षक भर्ती दे सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो 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 दिल अनेकता जिंदाबाद आवाज दो अनेक है आवाज दो अनेक
चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती दो, 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 भर्ती दो। हमारे यहाँ पे साथी, अरे भाई, हमारे साथी कुछ लोग कहते थे जिन्होंने नेतृत्व किया वो एक मंच पे नहीं आ पा रहे, इसलिए भर्ती नहीं आ रही है, हम इसलिए नहीं आना चाहते हैं। आज यहाँ कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखा दे, ऐसा कौन सा नेतृत्व करता रहा है किसी जिले का जो यहाँ नहीं आया है। प्रदेश का नेतृत्व करता सब आया है, प्रशिक्षित आया है, जिसने डेट स्वयं रखी थी यहाँ पे हम लोगों को बुलाने के लिए। यहाँ पे हम लोग आ गए लेकिन आप लोग नहीं आए। अब आगे कोई बहाना मत मारना, यहाँ आप सब लोग एक दूसरे की तरफ चेहरा घुमा दें। देखिए खड़े हैं अंकित जी, खड़े हैं शेख जी, खड़े हैं, देखिए इनके सबके मैं गिना सकता हूँ, चेहरे गिना सकता हूँ। जब ये सब यहाँ खड़े हैं फिर आपके पास कोई बहाना आप नहीं बचा। लेकिन आपने कभी चाहा ही नहीं कि हमें भर्ती आए। जीवन में याद रखना, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आपकी चलती रहेगी, हमारी चलती रहेगी। अगर नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। एक दो तीन चार, शिक्षक भर्ती दे सरकार। एक दो तीन चार, शिक्षक भर्ती दे सरकार। एक दो तीन चार, शिक्षक भर्ती दे सरकार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो। अरे पेपर बाजी नहीं चलेगी, जुमला बाजी नहीं चलेगी, पेपर बाजी नहीं चलेगी, जुमला बाजी नहीं चलेगी, पेपर बाजी नहीं चलेगी, जुमला बाजी नहीं चलेगी। भाई आवाज भी कम होगी क्या यार, मतलब कुछ आगे नहीं आएगा घर से। अरे योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा कोई बात नहीं कहना है, सरकार हमका सब कुछ चलेगा क्योंकि हमने वोट दिया था, हमारी सरकार हमने वोट दिया था, हमारी सरकार है। आज हम अपनी सरकार से बात मांग रहे हैं क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे मुखिया है और जो कोई हमारे मुखिया तक बात पहुँचाते भाई हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे मुखिया के कानों में गलत सूचनाएं दी जा रही है। ये देखिए रजत जी आ चुके हैं, लोग कहते हैं वो नहीं कोई नहीं, देखिए ये देखिए खड़े हैं रजत जी, अभिषेक जी भी खड़े हैं, राकेश जी भी खड़े हैं, देखिए सब खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग घर में बैठ के लाइव देख रहे हैं ना, इससे भर्ती जीवन में नहीं आने वाली। चूड़ी पहन लो चूड़ी, जोन से रंग की चाहिए मैं भिजवा दूंगा। तालियां बजाओ, तालियां। घर में बैठ के अरविंद लगा लो, बढ़िया बंदर की तरह लगो घर में बैठ के। देखिए लखनऊ के आसपास जितने भी साथी आ गए हैं आप या सीआरटी पहुंचिए, केवल 10 से 15 मिनट का आखिरी समय आपके पास बचा है, क्योंकि लगातार शिक्षक भर्ती के लिए कम से कम पांचवा या छठवा धरना है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें आम प्रशिक्षु बस यही कहते हैं कि मैं शिक्षक भर्ती के लिए समर्थन करूंगा। ये 2 तारीख का जो धरना रखा गया था, आम प्रशिक्षु स्वयं फोन कर कह रहा था कि भैया मैं इस धरने में मैं आऊंगा। देवरिया, मुजफ्फरनगर, हर जिले से वीडियो बनाए थे कि मैं इतनी संख्या, कहाँ गई आपकी संख्या, कब तक घर बैठे रहेंगे साथियों, ऐसे बैठे रहे। आप सोच रहे हैं कि आगामी चुनाव है, शिक्षक भर्ती आ गई, ये आप सपना देखते रहिए, कभी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। क्योंकि जो टेट का प्रस्ताव है, दिसंबर में टेट कराया जा रहा है, उसके बाद आगामी विधानसभा का चुनाव है, कैसे भर्ती आएगी आप खुद समझदार हैं। बस ऐसे घर बैठे रहिए, लाइव देखते रहिए, मजा लेते रहिए। यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दबाव बनाया जाए, हमारे साथियों को मारा जाएगा, आप लोग बस घर बैठ के मजा लीजिए, शिक्षक भर्ती आएगी, तैयारी करते रहिए। बस यही निवेदन करना चाहेंगे, अंतिम आज निर्णायक लड़ाई है, आज के बाद शिक्षक भर्ती के लिए कोई साथी कॉल करके ये नहीं कहेगा कि संघर्ष नहीं किया गया। हम लोग हमेशा आए हैं, जितने हमारे टीम से चाहे अग्रज हो, समकक्षी हो, चाहे रजत जी, आकाश द्विवेदी, बंटी भैया, आनंद जी, अंकित पटेल, रमाकांत यादव जी, सब आते हैं और हर एक नेता एकजुट होकर आज शिक्षक भर्ती के लिए काम कर रहा है।
आम प्रशिक्षुओं का सहयोग नहीं मिला। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, बस फिर यही कहेंगे अगर जितने लखनऊ में आ गए हैं 15 मिनट का समय है, आप आ जाइए, आपको रणनीति जो है बताई जाएगी और इस पे वीडियो पे रणनीति नहीं साझा की जा सकती है। जो भी साथी है जल्द से जल्द पहुंचे। बस क्या बोल लो, अनंत इधर आना। जितने भी साथी हैं जो चीजें आप रणनीति साझा, जल्द से जल्द पहुंच जाए, आपको जल्द से जल्द यहाँ पे आप रणनीति बताई जाए। आप तक पहुंच गया है, जो ना पहुंचा अपने बगल वाले से पूछ लीजिएगा। और आपको तो बता दिया गया है, बाकी आप सब परिचित रहिए, अपनी ताकत को बचाए रखिए, क्योंकि आपकी ताकत और जोत उत्साह हम सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए और लखनऊ तक अपनी बात पूरे आवाज पहुंचाने के लिए कायम रहना चाहिए। क्योंकि ये जो डीएलएड की आवाज है, कहते हैं अध्यापक बहिर्मुखी होता है, तो हम सब अध्यापक बनने के कगार पे है कि नहीं है। हम सब प्रशिक्षित हो चुके हैं, टेट पास हो चुके हैं, सीटेट पास हो चुके हैं, तो हम सब एक बहिर्मुखी चल रहा है और हम सबको बोलने के लिए सरकार पैसा देती है। तो आज सरकार पैसा और नौकरी नहीं दे रही थी, ये आवाज किस काम आएगी? सरकार से हक मांगने के लिए ये आवाज काम आएगी। तो हम सब चाहते हैं ताकत उत्साह को बनाए रखिए और जो साथी रस्ते में हो वो साथी कम से कम जल्दी SPRT पहुंचे। और आप तक जो रणनीति साझा हुआ है, उस रणनीति पर कहते हैं कि अध्यापक को क्रांतिकारी बनना पड़े तो बनो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से अगर 47,000 या 42,000 का हर महीने मैसेज देखना है आपको, तो लक्ष्य भी खाना पड़े तो खा लीजिए। अभी आपके 5 दिन के संघर्ष या 10 दिन के संघर्ष या 1 महीने के संघर्ष से 20-25 साल के कार्यकाल में 47,000-55,000 का मैसेज देखना है या प्राइवेट या ठेले पे सब्जी बेचना है, तो आप यहाँ रुक के जा सकते हैं। तो हमको सब्जी बेचना है कि समाज का सुधार करना है? समाज का सुधार करना है। तो समाज का सुधार करना है तो ये हाथ जो है पेन भी पकड़ सकती है और इसको मुट्ठी भी बना सकते हैं। जब तक अध्यापक नहीं बनेंगे, ये क्रांतिकारी हाथ सरकार से हक मांगने के लिए खड़ा रहेगा। बस किसी कम शब्दों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता था, क्योंकि ये ताकत जो है, ये उत्साह जो है, हम सब इसके सामने बहुत दिखा चुके हैं। आप सबके बीच में लगातार लाइव भी आते हैं, SPRT पर भी आप देखते होंगे, लगातार संघर्ष हुआ, आप सबको दिशा निर्देश दिया गया, लेकिन ये अब दिशा निर्देश नहीं, आज कुछ कर गुजरने का एक बार फिर मौका मिला है। इसको छोड़ना नहीं है, अगर हम सब आज आए हैं तो कुछ फिर एक बार निर्णायक लड़ाई लेके जाएंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप सब साथ है कि नहीं है, आवाज दो, आवाज दो, लेबर बाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमले बाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और शिक्षु एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये प्रशासन से आप डरने का काम छोड़ दीजिए, जो ये प्रशासन डराने का काम कर रही है कि आप 10 से बाद नहीं भरना देंगे, 11 की बात फिर बोल रहा है, लाठी पहले खाएगा, लोकतंत्र में आवाज उठाना चाहता हूँ। उठी है 3 साल से, तो इस तरह से प्रशासन की लाठियों से डरने वाले नहीं है। किसान आंदोलन देखिए, अपने किसान खेतों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठित नौकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं, और ये प्रतिष्ठित क्रांतिकारी न बन जाए तो आप सब कहिएगा, एक बार फिर आज की लड़ाई निर्णायक लड़ने के लिए हम सब अग्रसर होने वाले हैं। बस आप सब से उम्मीद करता हूँ, ये जो संख्या बल है, आपने वैसे ही हमको हृदयित कर दिया, एकदम खुशी से प्रफुल्लित कर दिया है। मुझे भीड़ कभी नहीं लगा कि मुझे भीड़ की जरूरत पड़ती है, हम हमेशा कहते हैं आप सब अधिक संख्या में आए। मेरे लिए 5 साथी भी संघर्षशील हैं और मेरे लिए 500 भी साथी संघर्षशील हैं, लेकिन उस 500 साथियों में पीछे हटने वाला साथी एक भी नहीं चाहिए हमको। अगर कोई पीछे हटने वाला है तो
जिसको हटना है वो हट सकता है। अगर बेसिक में अध्यापक की नौकरी का इतिहास अपने भाई बहन चाचा दादी से कहानियां पूछ लीजिए। बिना लाठी के कोई अध्यापक नहीं बना है। अगर इस नौकरी को पाने के लिए जब 42,000 का वेतन उठाने के लिए समाज को सुधारने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और इस समाज के लिए अगर हम सबको लाठियों के लिए भी अपना अगर आगे आना पड़े तो हम सब ये शरीर आगे कर देंगे नौछार कर देंगे प्रशासन के लिए। लेकिन इस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि आपके भी घर में अध्यापक आप भी किसी अध्यापक से पढ़कर आज पुलिस प्रशासन की नौकरी ज्वाइन किए होंगे, किसी एकेडमी, किसी कोचिंग संस्थान, किसी स्कूल, किसी न किसी आपने अकेडमिक संस्था में जाकर प्रशिक्षण लिया होगा, अध्ययन किया होगा, तब जाकर हम सब समाज में शांति व्यवस्था बनाए के लिए वर्दी को आपने धारण किया हुआ है। अगर आप एक अध्यापक के लिए, एक अध्यापक के मान सम्मान के लिए एक अध्यापक आज प्रतिष्ठित आपके द्वार अपने विभाग के सामने खड़ा है, मैं कहता हूँ, एक बार निवेदन करता हूँ कि 13 तारीख और 5 तारीख तक के लिए घटना मत घटाइएगा, नहीं जान चली जाएगी। लेकिन आप रजत सिंह और मेरे जितने साथी यहाँ खड़े हैं वाले नहीं है, क्योंकि बहुत लाठी चार्ज हुआ, आज या करो या मरो की घटना घट जाएगी, लेकिन हम सब पीछे नहीं हटेंगे। यह जो लाठी चार्ज कर दिया जाता है, जो प्रशासन के बल पर सरकार आवाज दबाने का काम कर रही है, जो हम सबको रोजगार देने का काम कर रही है, आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, अब इस तरह से कुछ नहीं ताकि सभी ग्रुपों में जाए, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इतने भी ग्रुप हो, सभी में शेयर कर दीजिए। अपना हक मांगना पड़े तो क्या मेरा साथ देंगे? आपको बता दें यही डीजी महोदय, आप सोच रहे होंगे डीजी महोदय आपको मान ही दे सकता, पर आप देखेंगे योगी सरकार में पहली बार इसका जो एक आगे लाया गया इस स्कूली शिक्षा और शिक्षा विभाग में सुधार विचार के लिए कार्य किया जाएगा। लेकिन ये डीजी महोदय विजय किरण आनंद सर जो गए हैं गोरखपुर के डीएम बने हैं, इनसे मैंने हाथ तक जोड़ा था और बोला था सरकार तक बात पहुंचाइए, लेकिन माननीय डीजी महोदय विजय किरण आनंद सर ने एक भी बार प्रशासन के सामने ये सुझाव नहीं दिया। हमारे विभाग में इतने पद खाली हैं और उन्हें भरने के लिए प्रतिष्ठित लगातार धरना कर रहे हैं, और आज मैं इसी के साथ जो नए डीजी बने हुए हैं उनके तक हम सब बात करेंगे, उनको भी अगर उनके मन में थोड़ा सा भी दया भावना होगा तो ये DLF का नया बैच जारी करके हम सबको लूटा जा रहा है, नए नए लोगों को जो है घर से पैसा लूटा जा रहा है, सरकार के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं में पैसा जा रहा है। या तो ये कार्य बंद हो जाए, खुले एक आदेश जारी करे, खुले आदेश जारी करे। हम भर्ती हमारे जिसे जिसका शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 1:5 के हिसाब से बच्चे से ज्यादा अध्यापक हो गए हैं, बच्चे के हिसाब से अध्यापक ज्यादा हो गए हैं, तो 2021 का DLF का प्रशिक्षण के लिए आवेदन क्यों हुआ? हम ये साइट अभी किया बंद हो, ये जो कितने भू माफिया शिक्षा माफिया बंद करके बच्चों को लूट करके असेंबली में विधानसभा में जा करके अपनी कुर्सी फिक्स कर रहे हैं, ये बंद हो और ये DLF का आवेदन बंद हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाल ही में अब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, आवेदन नहीं शुरू हुआ तो मेरे पास बहुत सारे कॉलेज के प्रबंधकों का फोन आया, बोला गया ऐसा है आप नेता बनते हैं कॉलेज का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, हम कह ऐसा है आप भर्ती के लिए लड़िए आवेदन कुछ हूँ। 13 तारीख की तरह 5 तारीख की तरह मैं भाषण इसलिए अभी तक नहीं दे रहा था क्योंकि मेरी मंशा मेरा हृदय एकदम टूट चुका है, क्योंकि आप सबको इतना मोटिवेट किया जाता है, आप सबको इतना सुझाव दिया जाता है, इतना राह विचार विमर्श मेरे साथियों द्वारा किया जाता है, लेकिन जब पुलिस की लाठियां सामने आ जाती है हम पीछे भाग जाते हैं। आपको बता दें यही प्रशासन जो लाठीचार्ज के लिए खड़ा हुआ है, कल मेरे पास 5 लोगों का फोन आया जिसमें से 2 लोग इको गार्डन में करने के लिए पोस्टेड है प्रशासन के सिपाही ग्रेड पे, वो कह रहे भैया आप संघर्ष करिए, आप भर्ती के लिए लड़िए, हम बैठो समाज का सुधार भी करना है इनको और इनको जो है अध्यापक भी बनना है, कहीं ना कहीं रोजगार ना मिलने से वो सिपाही पद पे तय
कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। ऐसा ना हो अगर सिपाही की नौकरी न ले, कहीं ना अध्यापक की भी ना मिले, सिपाही का ना मिले, इससे बढ़िया है जो मिले उसी से खुश रहो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सबसे कम शब्दों में, आप सब संगठित रहिए, मार खाने से ना डरिए। याद करिए बचपन में जब आप काका गागा नहीं सुना पाते थे, गिनती नहीं सुना पाते थे, तो आपको सर द्वारा गलती करने पे माता जी द्वारा पिता जी द्वारा मार खाते थे। आज अपने रोजगार के लिए अगर आप मार खाते हैं तो क्या है, गलत हो रहा है क्या आपके साथ? तो मैं चाहता हूँ इसी बीच में रमाकांत जी भी बात रखेंगे और आप भी उनकी बात तक सुनिए, ताकत को बनाए रखिए, बातों को सुनते रहिए, इसके बाद जो निर्णय होगा आप तो बहुत किया। धन्यवाद। सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आप सभी क्रांतिकारी भाई ये लखनऊ के सरजमी पे आए, इसे देख करके मन उत्साहित हो रहा है कि आप अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने जमीर को जगाने के लिए, अपने माँ बाप को सपने को साकार करने के लिए अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। मैं सभी साथियों को एक बार फिर से सलाम करता हूँ और क्रांतिकारी साथियों को उनको सलाम करता हूँ। यहाँ पे आए हैं और ये प्रशासन को जब भेज दिया जाता है कि जाइए जो धरना दे रहे हैं एंड गेम प्रकार इन्हें हटाइए, तो ये सरकार की नाकामी दिखती है। और मैं प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके घर में आपकी बहन, आपकी बीबी, अधिकांश ऐसे प्रशासन में यूपीपी भाई है जो खुद डीएलएड किए हुए हैं, और डीएलएड करने के बाद अभी अपने नौकरी से खुश भी नहीं है। और हमारी बहनें भी यूपीपी में है, वो तो अपने बिल्कुल नौकरी से खुश नहीं है क्योंकि उनको बार बार शोषण किया जाता है। अब वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश की नौकरी को छोड़ करके जो यूपीपी की नौकरी है वो शिक्षक भर्ती में आना चाहती है। साथियों आपको बता दें कि तमाम पद है उत्तर प्रदेश में, बेसिक पद है, मंत्रालय पद है, सब कुछ पद है, लेकिन जो शिक्षक का पद है इस पद को और कोई बराबर नहीं कर सकता। यहाँ पर डीजी महोदय बैठे होंगे, इंस्पेक्टर महोदय बैठे होंगे, मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्या आप 100 प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं? वो अपनी वो कभी नहीं कहेंगे कि हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब, एक जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जो जिले का मालिक होता है, जिसे अपने आप में पावर होती है, वो 10 प्रशिक्षकों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक प्रशिक्षक 10 डीएम बना सकता है। आपके कंधे पर डबल स्टार लगा है कि किसी न किसी शिक्षक की जान ले। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि विज्ञप्ति बार बार आप कहते हैं यहाँ ज्ञापन दीजिए, और ज्ञापन देने के बाद मेरा ज्ञापन डस्टबिन में जाता है कि कौन सी रिवर फंड में जाता है। मैं आपसे कमियां है, इसलिए 3 साल से बराबर हर जिले में ज्ञापन दिया जाता है 57,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन हम लोगों के साथियों के द्वारा जो विज्ञापन दिया जाता है उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। सरकार कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश को यूपीटेट की जांच कराने के बाद नई शिक्षक भर्ती जारी करूंगा। मैं चीलम फोर नहीं कर दूंगा क्योंकि मुझे एक शिक्षक पर्याप्त गुस्सा आ रही है, क्रोधित होने के बाद इंसान के मुंह से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको सख्त नहीं कहूंगा, लेकिन इनडायरेक्ट आपको कहना चाहूंगा 51,112 पद जो आपने डेबिट लगाई थी 69,000 की भर्ती की रिजल्ट आने के बाद आपको नई शिक्षक भर्ती दी जाएगी, क्या वो झूठ था?
झूठ था शुमला था। और मैं उससे यह भी पूछना चाहता हूँ, अब तक आप शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि 70,000 भर्ती जैसे क्लियर हो जाती है मैं नई शिक्षक भर्ती देने का कार्य करूंगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी 70,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने के बाद आज तक खंजा मंत्री अपने गाँव में जाकर खंजा लगवा रहे हैं। शिक्षा छोड़ के उन्होंने बधाई पद संभाल लिया है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई प्रकार की वो बधाई ना देते। यही बात मैंने एक मिनट यही बात जब मैंने उनसे बोल दी कि आप शिक्षा से ज्यादा बधाई पर ध्यान देते हैं, तो कहते हैं मैंने कब दी, हमने कहा ऐसा कोई दिन नहीं गया और मैंने आपको नीचे मेंशन करके अपने किसी मित्र का बर्थडे हुआ हो उसको बिसना किया हो आपकी पोस्ट। सोशल मीडिया ने ट्विटर आईडी खाली क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री जी के रोज बर्थडे पे हमारे जितने भी दोस्त थे बर्थडे होता था वहाँ टैग कर देता था कि महोदय इनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दीजिए। आप हमें प्रशासन या किसी से कैसे कर पाएंगे, हम भी एक भाजपा के सदस्य है। आप बधाई दे रहे हैं, यही जो टैग करते हैं कि मेरे मित्र का जन्मदिन है आप बधाई दे दीजिए, यही कहते अंदर अंदर आपका टैग करके मंत्री के पास संसाधन का कार्य करेंगे। आप लोग शेयर भी करते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक जितने भी ग्रुपों में सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। उत्तराखंड से आकर के यही आप नाटक करते काशी विश्वविद्यालय में बनारस में वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, क्योंकि आपको सारंगी से प्यार था और सारंगी से प्यार करने के लिए आप गोरखनाथ पहुंच गए। भाई थोड़ा वेट कर लो और लोग थोड़ा वेट कर लो, रवि वाली टीम आ रही है तुम्हारी।
देख लो भाई, आधा घंटा और बैठ चलो, बस धमकी दे भगा। युवा साथी है, युवा साथी है, युवा साथी होने के बाद आपको पूर्ण बहुमत से ला करके उत्तर प्रदेश में अर्पित किया। और ये कहा ये योगी आदित्य जी नाथ आए हैं, इनकी छवि बहुत अच्छी है, जो उत्तर प्रदेश का अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन आज देखने को क्या है, हम लोगों के ऊपर सामने खड़े हुए हैं अर्पित, अर्पित जी लाठियां मिल रही है कि नहीं मिल रही है आप भी लोग बताइए। ये भी कहता हूँ कि 20 मिनट से या एक घंटे से ज्यादा अभी आप यहाँ बचेंगे, यही हमारे यूपी भाई नई डी भाई है, हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो लाठी चार्ज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से भगाना नहीं चाहते हैं, इनका भी हृदय में कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति भावना है। सोते हैं तो समय से सुबह उठ करके अपना सूट बूट तैयार करते हैं, ये भी समझ रहे हैं कोई केवड़िया गोरखपुर बलिया से चल के आया है तो खाया नहीं होगा, नहाया नहीं होगा, फ्रेश नहीं हुआ होगा, इनके ऊपर लाठी चार्ज करने में। लेकिन मजबूरी में लाठी चार्ज करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज करवाया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, किसी भी हर हाल में यदि आपको उत्तर प्रदेश में वादा भी करता हो, यदि आप नई शिक्षक भर्ती देते हैं, फिर से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार लाएगी। यदि आप नई शिक्षक भर्ती नहीं देते हैं और उसका चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो चुनावी मुद्दा को देखते हुए हम आपको गति से उतारने का कार्य करते हैं। IAS, जो शिक्षक कहा जाता है कि वो एक सीएम IAS टीचर या MBBS डॉक्टर जैसे कोई निर्माण कर सकता है तो आपको गति से उठा सकता है। तो साथियों मैं अपने बाड़ी पे विराम दूंगा, जब जब जरूरत चाहे जहाँ पड़ेगी मैं वहाँ आकर के खुद आगे चल के नेतृत्व करने का कार्य करूंगा। साथियों जो भी काफी बोलना चाहते हैं आम लखनऊ में है।